डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को एक मुलाकात डियर संस्कार के साथ शो में स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहूंगा जो लोग 1 तारीख को अपने 3,500 पीबी किए हैं, और बधाई देना चाहूंगा उन लोगों को जो लोग अपना डायमंड भी क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, हमारे इस शो की मकसद है डीएक्शन लीडर और डीएक्शन मैनेजमेंट के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के विषय में चर्चा करना और नॉलेज गेन करना। आज इस शो में हमारे सीजी के यंग और एनर्जेटिक लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड जुड़े हुए हैं। उनकी डीएक्शन में शुरुआत होती है 2011 में। उससे पहले वो अपनी आईटीआई पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे सेक्टर में काम किए हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस, और ऐसे कि वो प्लांट में भी काम किए हैं, आज स्टोर कीपर, किराना दुकान भी चलाए हैं, ऐसे कि मजदूरी भी किए हैं। लेकिन कहीं से भी उनको संतुष्टि और आर्थिक आजादी नहीं मिला। 2011 में डीएक्सएन ज्वाइन करने के बाद काम प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिए, और 2014 में जितना पेमेंट उनको अपने नौकरी से मिलता था उतना डीएक्सएन से आना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो नौकरी छोड़कर डीएक्सएन फुल टाइम करना शुरू कर देते हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर मनहरलाल हंसराज जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है सर आपको हमारे शो में। गुड मॉर्निंग मनोरंजन सर, आवाज गुड ठीक मॉर्निंग, गुड आ मॉर्निंग। रहा राइट राइट सर। सर? गुड सर ये शो मॉर्निंग को जी आज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जी बताए सर। इस शो को आगे ले जाते हुए हम सवाल और जवाब की ओर बढ़ते हैं। हमारे पहले सवाल ये है सर, आपके डीएक्शन में शुरुआत कैसे हुई? ओके। सबसे पहले मेरे जो समस्त व्यूवर्स हैं, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उन सभी व्यूवर्स को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और पूरे डीएक्सएल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि एक मुलाकात डीएक्सएल स्टार के साथ के कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, सबसे पहले मैं डीएमआई मैनेजमेंट को और मनोरंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ आज जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको जो भी बातें हैं वो दिल से हो, राइट, वो स्क्रिप्ट राइट ना हो। इसीलिए हमें सिर्फ हम मनोरंजन सर प्रश्न तो बताए हैं, लेकिन आज जो भी बातें होंगी, जो मैंने जिया है, वो सारी चीजों को खुल के मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और ये सब कुछ ज्यादा टाइम ना ले तो ही 50 मिनट में खत्म करना है। तो सर, आपने तो पहला जो प्रश्न पूछा है कि देखने में मेरा शुरुआत कैसे हुआ, तो राइट इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा। मुझे अच्छे से याद है, सन 2005 या 6 की बात है। मैं उस टाइम में आईटीआई करने के लिए, बाद अप्रेंटिस करने के लिए बिलासपुर आया था, और बिलासपुर में हम लोग बैचलर 6 लोग रहते थे, जिसमें से एक विजय जी हैं जो मेरे अपलाइन हैं। वो उस टाइम में फार्मा कंपनी में काम करते थे, और मैं एज ए ऑटोमोबाइल में मैकेनिक के तौर पे डेली जाता था अप्रेंटिस करने के लिए बिलासपुर। और इसी तरह से हम लोगों का सामान्य लाइफ था, रूटीन लाइफ था। लाइफ में इससे पहले तो बचपन में बहुत सारा बड़े बड़े सपने थे, लेकिन धरातल पे आके देखे तो बड़ा मुश्किल था। इसलिए हमने आईटीआई किया, और आईटीआई करने के बाद एज ए करियर के लिए ऑटोमोबाइल को चूज कर लिया, और मैं अप्रेंटिस के लिए बिलासपुर आया था। तो उसी दौरान मेरे मित्रों को मैं अपने गाँव के लिए जाया करता था, जिसमें से विजय जी हमारे गाँव गए। वहां पर माताराम से बातचीत हुआ, और माताराम बताई कि मुझे कुछ महीनों से मेरा हाथ में जो वात की प्रॉब्लम है, जो ज्वाइंट ज्वाइंट दर्द देते रहता है, क्योंकि मेरे बड़े भैया खुद डॉक्टर हैं गाँव पे, और वो आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खिलाए थे उनको, लेकिन राहत नहीं मिला परमानेंट। तो विजय जी बोले मेरे पास एक कॉफी है, आप उनको दे के देखो। बोला कौन सा कॉफी है? तो बताया कि वो डीएक्सएल में बहुत पहले से प्रोडक्ट खा रहे थे, और उनके आस पास में और उनके पहचान वाले के पास बहुत सारा लाइफ एग्जाम्पल था, अलग अलग प्रॉब्लम का जो परमानेंट सॉल्यूशन पाए हुए थे। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे भी ला देना। 1 महीने बाद वो कॉफी देता है, और मैं माताराम को दे के आता हूँ। आने के बाद मैं हर महीने मुझे गाँव जाना होता था, और हर महीने दूसरी बार फिर अगले महीने मैंने गांव गया, और माताराम से पूछा कि माताराम आपको मैं जो कॉफी छोड़ के आया था वो कैसा लगा? तो बोले बेटा बहुत बेहतरीन कॉफी है। बोले कैसे? तो बोले मेरा दर्द तो गया ही गया, साथ ही मुझे बहुत समय से एक्चुअल में मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, वीकनेस वीकनेस लगता था, मेरा पेट साफ नहीं होता था, लेकिन ये कॉफी लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पेट साफ हो रहा है, मैं ऊर्जावान ज्यादा महसूस कर पा रहा हूँ, और मेरा जो ज्वाइंट की जो पेन है वो चला गया, और बहुत अच्छी बात है, आप लगातार लेते रहो। तो फिर विजय जी बोले इसको लगातार देते रहो। तो क्योंकि एक बेटे के नाते मुझे कुछ 100 रुपये के माताराम पर खर्चा करने में अच्छा महसूस होता था, मैं हर महीने को देता गया देता गया देता गया, वो खाते रहे, राइट।
और इसका परिणाम यह हुआ कि माता राम शुरू से ही मेरी माँ है, किसान परिवार से हूँ मैं, गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से, राइट। माता राम शुरू से ही खेती बाड़ी में ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, प्यार है। आज भी भाई लोग सब संपन्न है, माता राम को बोलते हैं आप बैठे रहो, फिर भी माता राम अपने हिसाब से काम करती है, 2 एकड़ 2.5 एकड़ खेत खुद वो बो लेती है। उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, आपको कोई चीज का तो कमी नहीं है, आई बुढ़ापे में आराम करो। तो मेरी माँ बोलती है बेटा मुझे मजा आता है। तो मैं समझ गया इंसान को जिस काम करने में आनंद आता है ना, काम हर हाल में कोई भी उम्र में कर लेता है इंसान, राइट। तो हम उनको टोकते टाकते नहीं है, वो अपने हिसाब से बढ़िया से खेती करती है और आनंद रहती है मेरी माँ। और आज 2006 से अभी तक के वो लगातार प्रोडक्ट खा रही है और दिन ब दिन बहुत अच्छा महसूस हो रही है। और 65 साल उम्र हो गया अभी, और इस 65 साल की उम्र में भी कोई भी तरह के शारीरिक समस्या और इस तरह से पीड़ा से अभी नहीं गुजरती है, बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है। तो ये एग्जाम्पल था। इसी दौरान पे मैंने क्या किया, ऑटोमोबाइल का जॉब छोड़ के मैं टाटा या इंश्योरेंस कंपनी चला गया। और इंश्योरेंस कंपनी में जाने के बाद मुझे लगा कोरबा सबसे बढ़िया इसको एरिया, वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉय लोग हैं, एक आम इंसान का एवरेज इनकम 1 लाख रुपये है वहाँ पर, क्योंकि पूरा पूरा वो आपका प्लांट एरिया है, फैक्ट्री एरिया चारों तरफ से। मैं वहाँ चला गया कोरबा, और जाने के बाद मैं वहाँ इंश्योरेंस बेचना चालू किया। मैं अच्छा खासा वहाँ से इंश्योरेंस निकालता था, चल रहा था इंश्योरेंस कंपनी टाटा एजी का एज ए एडवाइजर मैं कर रहा था उस काम को। इसी बीच में क्या होता है, इंसान का और बड़े बड़े सपने होते हैं, महत्वाकांक्षी इंसान होता है, कुछ और चाहता है वो इंसान। तो मुझे कुछ कुछ नेटवर्कर लोगों से मिला, जिसको उस टाइम में नेटवर्कर बोलते थे, नेटवर्कर बोले तो डायरेक्ट सेलिंग वाला कंपनी, राइट। तो बहुत तरह के कंपनियों में वो लोग मुझे ऑफर किए, मैं उसमें काम नहीं किया, और कुछ कुछ कंपनी मैंने हाथ डाला। और वास्तव में मैंने हाथ डाला कि एक कंपनी आया था, आप लोग सुने होंगे नाम, आयन इंडिया करके, इसके बारे में कटक में हाईकोर्ट में अभी भी चल रहा है, कैसा अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो चीट फंड कंपनी 10% महीने का ब्याज देता था। मैं टाटा एजी का इंश्योरेंस 40-50 इनकम मिल रहा था, उनको साइड करके मैं चला गया उसमें और फुल काम किया। और बहुत काम करने के बाद पैसा तो कुछ आया, लेकिन लालच जो होता है बहुत बुरा होता है। सारे पैसे मेरे मूलधन चले गए थे, मार्केट में मैं किसको पकड़ूंगा पैसा लगवाने के लिए, निश्चित रूप से मेरे मित्रों को पकड़ूंगा, जान पहचान के लोगों को पकड़ूंगा, आस पास के लोगों को पकड़ूंगा, सबको पकड़ा, सबको लालच दिया, सब लोग अपने हिसाब से पैसा लगाए, लेकिन बहुत लोगों का फिर थोड़े टाइम बाद पैसा डूब जाता है क्योंकि कंपनी भी बंद हो जाती है, राइट। तो कुल मिला के मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैकेनिक से लेकर के इंश्योरेंस में आया, इंश्योरेंस के बाद कुछ नेटवर्क मार्केटिंग काम किया। वो नाम का तो था नेटवर्क मार्केटिंग, वही तो लूट बूट और फूट का धंधा था, पूरा मनी रोटेशन था, राइट। अब वहां पर मेरा फेस वैल्यू खराब हो गया। तो फेस वैल्यू खराब होने के बाद, और उस बीच में मैं 1 साल के दौरान में 20-25 कंपनी में मैं और ज्वाइनिंग होता हूँ इस तरह से, और मैं वहां पर भी फेल हो जाता हूँ। फिर मैं ऑटोमोबाइल में आ जाता हूँ, मुझे नफरत जाती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, क्योंकि मेरे हिसाब से उस टाइम में लगता था डायरेक्ट सेलिंग मतलब ऐसा होता है। मैं आज जाना हूँ ना कि मैं इससे पहले जो भी कंपनी में हाथ लगाया था वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं था, वो तो लूट बूट और सूट का धंधा था, वहां पर तो पूरा प्योर मनी रोटेशन था, है ना। तो अपने अनुभव से मैं बोल सकता हूँ, आज मैं गर्व साथ बोल सकता हूँ बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ। तो ऑटोमोबाइल पे आ गया, ऑटोमोबाइल में आने के बाद मुझे घृणा होने लगी, मैं उस काम पे नहीं कर रहा था। 2011 की बात है, ऑटोमोबाइल में आने से पहले 1 साल पहले मैं प्लांट में काम कर रहा था स्टोर कीपर। उसी दौरान मेरी वाइफ और उनके बड़े भाई, मेरे बड़े साला, वो कोरबा में दुकान डाल देते हैं दोनों मिलके, और बोलते हैं घर में बैठे रहेंगे तो अच्छा थोड़ा सा सड़क खोल के बीएसएन का प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहेंगे। तो वो लोग प्रमोट करना चालू किए, मैं प्लांट ड्यूटी चला जाता था, आने के बाद देखता था वो लोग लेट में आते थे और कुछ ना कुछ अच्छा हंसी खुशी के साथ में 2-4 पैसा इनकम करके आते थे क्योंकि प्रोडक्ट इतना बढ़िया था। तो मैं भी संडे संडे को जाना चालू किया। एक संडे की बात है जब बंजारा सर वहां पर आए और उन्होंने मीटिंग लिया, और मीटिंग में जब उन्होंने ऐसी सी बातें बता दी, इससे पहले मेरे जीवन में मैंने कभी ऐसी बातें नहीं सुना था, मैं हिल गया अंदर तक पूरा, है ना। बोला ऐसा भी होता है क्या, मैं तो अपने आप को मान गया था, मैं अपने सारे सपनों को दबा दिया था, लोहे के बड़े चादर पे दफना दिया था, अब मुझे मैं अपने आप स्वीकार कर लिया था, अब जब तक जीना है इसी तरह से जिंदगी जीना है, राइट। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे सपने देखे थे और हर जगह इतना धोखा मिला था कि अंदर तक से टूट गया था समझिए, लेकिन बंजारा सर ने वो उम्मीद की जो किरण है फिर जगा दिया, और मीटिंग में ऐसे बात बता दिया कि भाई साहब पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, दौलत ज्यादा बनाने के लिए कुछ बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं करना है, अरे छोटी सी काम करो, छोटी छोटी सुधार करते जाओ, निरंतरता करो, आज ये तो कल आप हिमालय परोसे तो पड़ जाओगे, पहुंच जाओगे। और हम गलती कहाँ पर कर देते हैं, उस इंसान से सलाह ले लेते हैं जो कभी पहाड़ चढ़ा रहे हैं, राइट। जो पहाड़ चढ़ा है वही बता पाएगा कहाँ कहाँ पर बाधा है। तो बात जज गई,
मैं खुद अपने आप आंखों के सामने में लाइव एग्जांपल देख रहा था। बंजारा सर एनटीपीसी में अच्छे खासे जॉब में थे, लाख सवा लाख रुपए का पेमेंट था, फिर भी देखते में काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ ऑटोमोबाइल में 15-20 हज़ार मुझे मिल जाता है, जिससे मैं अपने घर के खर्चे चला रहा हूँ। मैं ज्यादा अकड़ है मेरे अंदर में, ज्यादा अकड़ है और मैं सब कुछ समझता नहीं हूँ। तो ये प्रॉब्लम है बोला, मेरे में प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ऐसे क्या बात हो गई सर बोल के, और दो चार मीटिंग में मैं उनका सुनना चालू किया, क्योंकि उससे जो व्यक्ति बात कर लेता था वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, कोई व्यक्ति आकर आकर्षित हो जाता था, 5 मिनट में आंखों से चश्मा निकल जाता था। तो उनकी बात मुझे एक चीज जग गया, वो बोले मनहरम आज तुम ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हो, इससे पहले हजारों लोग किए थे और हजारों लोग और करने वाले लाखों लोग करेंगे। आप देख लो जो व्यक्ति ऑटोमोबाइल में काम करते करते बूढ़ा हो गया, जाके देखो क्या आपको ऐसा जिंदगी जीना है। बोले सर मेरे पहचान में तो है खुद जो ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी 20-25-30 साल दे चुके हैं, तो उनका लाइफ कैसा है। बोले सर बड़ा बेकार है, उन बेचारे को हमेशा तकलीफ रहता है, लेकिन पैसे का आवश्यकता है इसलिए रिटायरमेंट की उम्र में भी जॉब कर रहे हो, तो ऐसा जिंदगी बनना है कि आपको ऐसा जिंदगी जीना है। बोला हाथ जोड़ता हूँ भैया, ऐसा नहीं मरना पसंद करूंगा लेकिन ऐसा जिंदगी जीना नहीं चाहता हूँ। तो बोले और कोई ऑप्शन है आपके पास। बोले सर ऑप्शन तो इसी तरह से है, हर कंपनी बोलता है ऐसा आओ और ऐसा करो। तो बोले डीएक्सएन के बारे में आपका क्या राय है, इनके प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या वो है सोच। तो मैं बोला सर इसके प्रोडक्ट को मैं अगर 1 से 10 तक कर आप नंबर देंगे ना तो मैं 10 नंबर दूंगा, क्यों मेरे माता राम खुद इतने साल से खा रही है और बेहतर हेल्थ प्राप्त पा रही है और मैं इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट उपयोग कर रहा हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो बोले जब आप संतुष्ट हो सकते हो तो लोग भी तो चाह रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, उनकी जरूरत को आप पूरा करो, तो इससे क्या होगा। मनहरण आप जान नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, बोले आप जहां पर काम कर रहे हो वहीं पर थोड़ी सी बातचीत से आपका करियर बन सकता है। तो उन्होंने मुझे पूरे प्लान बता दिया, दिमाग मेरा जज गया। बोले जो भी कस्टमर आते हैं आप जॉब पर खोलते हो साथ में उनसे तो रिलेशनशिप बिल्ड करना ही होता है, हमसे ही मिलते हैं, किसी मेगरी से बातचीत होता नहीं है। कि फाइनल आप प्रॉब्लम लेके आओगे कार लेके, तो आपके कार का सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना मेरी जिम्मेदारी है। और चूंकि मैं ऑटो बन में मैं पैशन था मुझे लोगों की गाड़ी बनाना और उनको स्ट्रीम लेवल तक संतुष्टि लेके जाना मेरा पैशन इसलिए था, इसलिए मैं ऑटो बन चुना कि मैं गाड़ी चलाने से बनाने से मेरे शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। तो मैं स्किल्ड लेबर था समझ लो, सर्विस एडवाइजर के तौर पे मैं जॉब खोलता था तो स्किल्ड था क्योंकि मैं आईटीआई किया था उस विषय पे, मैंने अप्रेंटिस किया था उस विषय पे, तो लोग मतलब बहुत संतुष्ट होते थे। तो मेरा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया था, मैं लोगों को बोला कि आप चाय पीते हो साबुन पीते हो उसको लेके जाना, मैं दराज पे रखता था एक दो प्रोडक्ट और डेली देना चालू किया, तो बंजारा सर मुझे कैसे कैसे करके ले आए। और 2013 में से 14 एक साल में जब काम किया तो मुझे 20-22 हज़ार रुपये जब हाथों में से पैसे आ रहे थे, उतना पैसा आना शुरू हो गया। तो मुझे खुद पता नहीं चला सर मैं डीएक्सएन में कैसे आया, वो तो बेहतरीन लीडरशिप का परिणाम था कि बंजारा सर के बातों से उनका जो जो पैसा बताते गए उनको फॉलो किया और मैं 2014 में आके देखता हूँ तो अपने आप डीएक्सएन में आ चुका रहता हूँ। फिर मैंने निर्णय लिया है ना, जनवरी की बात है, राइट, जनवरी की बात है, मुझे अच्छे से याद है, न्यू ईयर मनाने के बाद एक सप्ताह के अंदर मैंने रिजाइन दे दिया था। तो जनवरी 2014 में मैंने रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद फुल टाइम काम करना चालू किया और इस तरह से फिर मेरा डीएक्सएन में आना हुआ था। तो इस तरह से मैंने डीएक्सएन में आया जी। मरहन जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया कि आपने कैसे आपका डीएक्सएन में आना हुआ, और उसके साथ साथ जैसे कि हम लोगों का पता है आप एक लंबे समय से डीएक्सएन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस सिलसिले में हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा अगले सवाल यह है जी कि आप एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत के दिनों से आपको क्या क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ा। जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे क्योंकि लाइफ में चुनौतियां तो आती है दोस्तों। मैं सभी व्यूअर्स को मैसेज देना चाहूंगा, लाइफ में देखो आप सामान्य दाल चावल रोटी खा रहे हो ना तो नौकरी कर लो, कहीं पर कोई झंझट नहीं है, लेकिन लाइफ में जब बीड़ा उठाते हो कि मुझे लाइफ में अपने हमेशा के लिए गरीबी को बदलना है और इस तरह से कोई आप जब चैलेंजेस लेते हो स्वीकार करते हो तो आपको चुनौतियां आना चालू हो जाता है। ऊपर वाला बोलता है चल तो कैसे करेगा, मैं देखता हूँ, राइट। तो हमेशा आप चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, अगर कुछ करना है तो बिना चुनौती के संभव ही नहीं आप आगे बढ़ जाओ। मेरे लाइफ पे बहुत सारे छोटी मोटी चुनौतियां आया, जैसे सबसे पहले मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा चुनौती आया है लाइफ में, ये चुनौती आया कि अगर आप कल्पना करो जो बंदा आपका गार्जियन हो, पालक हो, अगर पिता के नहीं रहने पे बेटे को क्या फील होता है। जब तक पिताजी जिंदा है ना तब तक बेटा उनका इज्जत नहीं करता है, लेकिन जाने के बाद समझ में आता है कि आज मेरे पिताजी रहते तो मैं ऐसा ऐसा करता, राइट।
तो डीएक्सएन की दुनिया में मेरे जो पालक है ना, मेरे गार्जियन है ना, मिस्टर बी वंदना जी रहे हैं। मुझे रत्ती भर की चिंता नहीं था दोस्तों। एक साल के दौरान में सोचो आप, जो मुझे मेरी नौकरी करने वाला इनकम से बड़ा इनकम बना के दे दिया था, आने वाला में और समय में क्या करता। मैं जनवरी में जॉब छोड़ा, फरवरी मार्च अप्रैल तक, राइट मई तक मैं 50,000 रुपीज इनकम पहुंच गया था डीएक्सएन से। लेकिन एक काली रात आती है, 7 जुलाई 2014 की बात है। बंजारा सर के अंदर में जो विजडम था, जो बहुत दिखता था, वो जैसा बोलते थे पत्थर का लकीर था, मैं फॉलो करता था, रसी भर भी दिमाग नहीं लगाता था, राइट। तो उसके रहते तक मुझे लाइफ में कोई चुनौती नहीं आया और वो मुझे वहां तक पहुंचा दिया। क्योंकि हर चुनौती को आता था, उनको मैं शेयर करता था, वो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन था आदमी, है ना। चाहे मेरा पर्सनल व्यक्तिगत चुनौती हो, कोई भी क्षेत्र का चुनौती हो, मैं शेयर करता था और हर चुनौती से, हर समस्या से बाहर निकाल देता था। और बंजारा जी बोलते थे, मनाना जिंदगी में जीना है ना, तो समस्याओं का सामना करना सीखो, समस्याएं आएगी आती रहेगी, समस्या आ रही है तो अच्छा है, नहीं आ रही तो प्रॉब्लम है। बोले समस्या से बाहर निकलने की कलाकारी डेवलप करो। तो वो चीजें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उनके माध्यम से मैं बहुत कुछ किया लाइफ में। लेकिन 7 जुलाई 2014 की बात है, बंजारा सर का अचानक रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है मटियारी बिलासपुर में, मैं रहता हूँ कोरबा में। 6 बजे बात होती है और उनके बाद वो रोड में एक्सीडेंट हो जाता है। मैं यहाँ से 120 किलोमीटर दूर में रहता हूँ कोरबा में, मैं रात को 9 बजे आता हूँ और रात को मुझे नहीं बताते हैं कि ऐसा है बोल के, और मॉर्निंग पता चलता है वो दुनिया में नहीं रहे, राइट। मेरे जिंदगी का इससे बुरा दिन शायद आएगा। ये जो सिचुएशन था ना, मुझे पूरा हिला के रख दिया था दोस्तों। जो बंदा मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे थे, वो इस दुनिया पे नहीं थे। इससे पहले मेरा कोई अप्लाई नहीं था, है मेरे विजय जी हैं, लेकिन मैं उनसे इतना घुल मिल गया था, इतना वो था कि बंजारा सर की बातें मुझे पूरी पूरी समझ में आती थी, वो बोलने बस का देरी था, मुझे समझ में आ जाता था। तो ऐसा व्यक्तित्व को मैंने खो दिया। और मैं सच बोलता हूँ, जितने लोग जानते हैं लीडर, चाहे के अग्रवाल सर हो बिहार से, चाहे प्रोफेसर साहब हो, सब जानते हैं डीएक्सएन की दुनिया के लिए कितना बड़ा क्षति है बी बंजारा जी। तो उनके नहीं रहना, मैं हाथ पैर सुन्न हो गया था, मैं एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन पे चला गया था। इसी वजह से लाइफ से दो साल पूरे घर में बैठ के बाहर मैं काट दिया, काफी भी काम नहीं कर पाया। मानसिक से इतना फ्रस्ट्रेशन था और साथ था, मैं उससे बड़ा मुश्किल से बाहर निकल पाया। इसी बीच में मैं बुरी आदत से भी हो गया था, मैं बहुत सारे स्मोकिंग करने लगा, राइट, एल्कोहल का भी सेवन करने लगा था ये हो जाए बोल के। लेकिन वो थोड़ी सी समस्या बाहर तो निकाला, लेकिन इसी बीच में कुछ लोग मिले मुझसे और उन लोगों के मिलने के बाद मेरे बिजनेस तो बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे चरित्र पे, मेरे व्यक्तित्व पर कुछ कुछ हरकत पे सवाल हो गया था दोस्तों, राइट। और मैं फिर एक दोबारा एक ऐसा बॉन्ड फंस गया था, क्योंकि जितने लोग मिले थे, मैं नहीं बोलूंगा किसी के अंदर में फॉल्ट है, मैं 100% अपना गलती मानूंगा कि किसी व्यक्ति को मैं दोस्त बनाता हूँ या बिजनेस पार्टनर बनाता हूँ, इसका चयन मुझे करना होता है, तो मैं सामने वाले को नहीं उठाऊंगा। तो दूसरा बहुत बड़ा गलती क्या था, मेरे पार्टनर चयन करने पे मुझे बहुत बड़ा गलती किया। मैं ऐसे लोगों को चयन कर लिया जिससे 100% मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, बहुत सारे पीछे आ गया था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये जो चैलेंज था, इससे भी मैंने बाहर निकालने के लिए मैंने क्या सोचा, मैं सोचा दोबारा बंजारा सर है मेरे पास और वो आदेश कर रहे हैं ऐसा, तो अभी व्यक्तिगत रूप से नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे और मित्र लोग हैं, मेरे विजय जी हैं अपलाइन और मेरे परिवार के लोग, बोले ऐसा ये गलत बात है, आप जो काम जो शिद्दत से साथ, जी ईमानदारी साथ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आज उसके उंगली उठ रहा है, तो आपको फिर दोबारा एक बार सोचने की आवश्यकता है, रीथिंक करने की आवश्यकता है, संगति को चेंज करने की आवश्यकता है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक बार फिर आया 2017 में, जब मैं फरवरी में कोरबा को छोड़ के गाँव चला गया। मैं पूरा टेरिटरी छोड़ दिया, मैं दोस्त छोड़ दिया, वो संगति छोड़ दिया, वो लोग छोड़ दिए और गांव चला गया। और गांव जाने के बाद मेरा 10,000 रुपये इनकम आ रहा था, लेकिन गांव जाने के बाद मेरा इनकम फिर 500 रुपये आ गया। मैं गांव में भयंकर मेहनत किया, चैलेंजेस था, एक बहुत बड़ा चुनौती था। फिर दोबारा मैं गांव से मैं बिलासपुर आया और बिलासपुर आने के बाद, क्योंकि परिवार के लोग थे, उनके सहयोग से मैं सेटल हो गया और अच्छे से 8 महीने 1 साल में ही अपनी इनकम को डबल कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा जो चुनौती था मेरे लाइफ का, उससे बड़ा चैलेंजेस मतलब कह सकते हैं कि इंसान, मैं उनको भुला नहीं पा रहा था, कितने सालों से मैंने, कितने दिनों से मैंने रोया था। तो ये एक्चुअल में मुझे बाहर आ जाना था, कारण ये था उस टाइम मेरा कोई मेंटर नहीं था, मुझे संभाल नहीं पाने वाले, मैं मानसिक रूप से इतना ज्यादा अवसाद और फ्रस्ट्रेशन में था कि मुझे ऐसा लगता था कि बंजारा चले गए तो अब मेरा दुनिया लूट गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कोई दुनिया से कुछ नहीं होता है, हर हाल में आप हो, हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में
बहुत बड़ा सफलता आपके इंतजार कर रहा है। हर इंसान के अंदर में महान क्षमता है, उनको जब जानना चाहिए और पहचानना चाहिए, और निरंतरता स्टेप बाय स्टेप करते रहो, हर चुनौतियां छोटे पड़ेगा, आपके गोल बड़े होने चाहिए दोस्तों, राइट, आपके लक्ष्य बड़े होने चाहिए। तो इस तरह से है सर जी। मनोहर जी, जैसे कि आपने बताया चैलेंजेस, चुनौतियां लाइफ में आना चाहिए। अगर चैलेंजेस हमारे लाइफ में नहीं आता है तब आगे हम बढ़ना मुश्किल पड़ता है। चैलेंजेस हमारे साथ आना चाहिए, चैलेंजेस रहना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर हम हमारा अपलाइन के गाइडलाइंस पे हम चलेंगे, कोई भी चुनौतियां आए, कोई भी चैलेंजेस आए, वो अच्छे तरीके से उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल के ओर। हमारा अगले सवाल है सर, वन ड्रैगन कंपनी, जैसे कि हम कहते हैं कि DXN एक वन ड्रैगन कंपनी है, तो ये वन ड्रैगन कंपनी का मतलब क्या है? जी जी, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछे सर, क्योंकि अभी देख रहे सब इनको भली भांति इनसे परिचित है, और व्यूवर्स को अपनी राय बताना। लग रहा है कोई टेक्निकल इशू है, तब तक के लिए हम एक प्रमोशनल वीडियो रन कराते हैं। जी सर जी, तो कंटिन्यू करते हैं सर। तो आपने जो सवाल पूछा था वन ड्रैगन कंपनी क्या है, ये एक्चुअल में इनसे तो हर आदमी परिचित है जो DXN पे है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा इनके बारे में। देखिए DXN वन ड्रैगन जो कंपनी है, वन ड्रैगन एक्चुअल में है क्या थी, DXN का एक्चुअल में फिलोसॉफी है, ये इंटायर जो प्रोसेस है, यानी कंपनी हर इंसान सुबह सुबह उठता है, साबुन लगाता है, सौंदर्य प्रसाधन करता है, खाना खाता है, बिस्तर को भी झड़ा के सोता है, और हर पुरुष से सुरक्षा चाहता है,
लेकिन डॉक्टर लेम का जो विजन स्टेटमेंट क्या है, आपको हाई क्वालिटी जो लो प्राइस का जो प्रोडक्ट है, एक्चुअल में उसका कोर वैल्यू है हाई क्वालिटी लो प्राइस कब होगा, यानी कीमत हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता और कम से कम कीमत तभी संभव है जब आप वन ड्रैगन कंपनी पे आपकी पकड़ हो। वन ड्रैगन मतलब कोई भी कंपनी जो भी उत्पाद लोगों तक पहुंचा रहा है, अगर उस उत्पाद का वो खेती खुद करे, उसका पैकिंग खुद करे, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करे और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करे, यानी बीच में अगर कोई बिचौलिया लिया ना हो, तो 100% संभव हो जाता है हाई क्वालिटी लो प्राइस। और हाई क्वालिटी लो प्राइस कंपनी का कोर वैल्यू है, विजन स्टेटमेंट है, इसी बात को ध्यान रखते हुए में ये वन ड्रैगन कंपनी का निर्माण करना अति आवश्यक हुआ और ये बहुत बड़ा दर्शन है सर डीएक्सएन कंपनी के लिए। वन ड्रैगन कंपनी एकमात्र इकलौता कंपनी है जो खेती से लेकर के पैकेजिंग तक और डिस्ट्रीब्यूशन तक का खुद ही ख्याल रखता है और बीच में कोई बिचौलिया नहीं होने की वजह से इनकी हमारी जो प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वर्ल्ड क्लास गुणवत्ता है, हाई क्वालिटी और लो प्राइस जाता है ना। इसीलिए जो बंदा इसके उत्पाद को एक बार उपयोग करते हैं वो 100% 100% रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो वन ड्रैगन कंपनी में ये सारी चीजें आ जाती है, इंटायर कल्टीवेशन प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीजें आ जाती है और हम लोग गर्व के साथ बोल सकते हैं हमारे जो कंपनी है वन ड्रैगन कंपनी है ना। और इस वन ड्रैगन कंपनी की वजह से धरती पर भी संशय नहीं रहता है, हमारा जो प्रोडक्ट है एक बार आपको अंगूठा छापो आप पर्सनल लिखना नहीं आता है, कुछ भी मत बोलो, आप प्रोडक्ट उठा के दे दो, सामने वाला बंदा उपयोग करेगा वो जानता है, उसका मगज तो है, संवेदनाएं तो है, सेंसलेस तो नहीं है बंदा, राइट। तो लगाएगा चाहे खाएगा तो वो जान जाएगा कुछ तो लगे इससे, कुछ फर्क बात है उसके पीछे, यही बहुत बड़ा कारण है, वो दिखता नहीं है क्योंकि हम लोग पैकेजिंग पे काम नहीं करते सर। बहुत सारे और कंपनियां हैं जो पूरा खर्चा पैकेजिंग में कर देते हैं, आप कोई प्रोडक्ट को हाथ में उठाओगे तो ऐसा लगता है वाह क्या प्रोडक्ट है, लेकिन जब खोल के देखने पे अंदर में वो चीज होना चाहिए ना, राइट। तो हमारे जो प्रोडक्ट है पैकेजिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन इतना हाई क्वालिटी लो प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो डीएक्सएन का जितने भी उत्पाद है उसके अंदर में मिलता है उसके लिए। इसीलिए इंसान एक बार जब प्रोडक्ट उपयोग करता है तो लाइफ टाइम के लिए जगह मिलता है। तो एक शब्द में बात खत्म करूं, वन ड्रैगन कंपनी मतलब जिनके हाथ में पूरा कंट्रोलिंग है, कंट्रोल है, वो किसी और से कच्चा माल नहीं लेता है, खुद खेती करता हो जैविक ढंग से, खुद पैकिंग करता हो, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हो और खुद डिस्ट्रीब्यूट करता हो, इसी को वन ड्रैगन बोलते हैं। जी धन्यवाद मनोरंजन जी। जैसे कि आपने पता है जैसे कि अंडर वन रूफ एक छत के नीचे कल्टीवेशन हो और उसका प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तीनों एक छत के नीचे, एक छत मतलब एक कंपनियों में सारे काम ये चीज हो और अंडर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के साथ, तो उसको हम वन ड्रैगन कंपनी कहेंगे। बहुत बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आपने बताया सर, धन्यवाद। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ओर। हमारा अगले सवाल है डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट की क्यों क्या महत्व है? जी ये बहुत बढ़िया सवाल है सर। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ आप जीवित नहीं है ना, आपके सांसें रुक गए हैं किसी भी इंसान का। जैसे इंसान को चलने के लिए ब्लड की आवश्यकता है ना, बिना ब्लड के सर्वाइव नहीं कर पाएगा इंसान है ना, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर मैं ब्लड की बात करूं तो वो रिक्रूटमेंट ही तो है। अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ते हैं है ना, और जुड़ने के बाद खुद आप 1-1 लाख का प्रोडक्ट एक दिन में बेच देते हैं, आपका सेल्स स्किल इतना बढ़िया है कि आप एक बार प्रोडक्ट लेके जाते हो कार में भर के शाम तक के 1 लाख प्रोडक्ट की बेच आ जाते हो और 10-20 हज़ार रुपये रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हो और आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स आप जहां से आए हो ना, जिस नौकरी को छोड़ के आप अभी भी नौकरी कर रहे हो, नौकरी नहीं छोड़ेगा, नाम से तो आप आ गए हो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे, लेकिन अभी भी आप सेल्स करके खुद कमा करके खुद बेच रहे हो और आप इनकम कर रहे हो, तो आप नौकरी ही कर रहे हो, आप दुविधा में मत रहो, आप कंफ्यूजन पे हो, आप डिजिटल में डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, एक नौकरी छोड़े दूसरा नौकरी पकड़ ली। लेकिन अगर आप भले ही दिन भर में आप 200 से 500 से 1000 का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो लेकिन आप डेली एक आदमी का रिक्रूटमेंट कर रहे हो या महीने में कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड ये छोटी छोटी जो रिक्रूटमेंट है ना आपको 100% व्यवसायी बना देगा। आप देख लो पूरे दुनिया में संगठन रिक्रूटमेंट करना मतलब क्या, टीम बनाना मतलब संगठन की शक्ति, जिसके पास संगठन है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। संगठन ही तो आज मुकेश अंबानी को एशिया का नंबर वन और पूरे वर्ल्ड का 4th नंबर का हीरो बना दिया। आज लॉकडाउन पे भी 1 मिनट में 90 करोड़ रुपए कमा रहा है बंदा, राइट। तो संगठन की शक्ति की वजह से ही आपके टाटा बिरला बड़े बड़े इतने बड़ी कंपनी बना,
क्योंकि लीवरेज के नियम को आप समझिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी व्यक्ति को 24 घंटा है सही समय दिया ऊपर वाले ने, है ना, चाहे कितना वाला पैसा वाला बन जाओ, आप 25 घंटा नहीं, आपके पास दिन भर में 24 घंटा ही है, तो आप कितना काम करोगे? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा काम करोगे, लेकिन संभव तो नहीं है। इस 24 घंटों में आपको बहुत सारे काम करना होता है, खुद का नहाना धोना है, खाना पीना है, आराम करना है, तो मैक्सिमम आदमी 8 से 10 घंटा काम करता है। तो इस लीवरेज के नियम को समझो, अगर आपके पास ताकत है, टीम है, नेटवर्क है और रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो एक संगठन बन रहा है, और संगठन ही इंसान को कामयाब बनाता है। संगठन में क्या होता है, आपके टाइम जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे आज मेरे नीचे में 1,000 लोग हैं, अगर 1,000 लोग 1-1 घंटा भी काम करते हैं, तो दिन में कितना घंटा हुआ मेरे नीचे, 8,000 घंटे काम हुए, सॉरी 1,000 घंटे काम हुए, राइट? अगर 8 घंटा काम करते तो 8,000 घंटा काम होगा, लेकिन क्या 24 घंटा में संभव था कि मैं अकेले 1,000 घंटा या 8,000 घंटा काम कर पाऊं? नहीं, संभव नहीं था। लेकिन रिक्रूटमेंट में एक संगठन बनता है और टीम वर्क एक मेन चीज होती है। अगर लाइफ में आप सच में व्यवसाय करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, दौलत कमाना चाहते हो, शोहरत कमाना चाहते हो, एक ऐसा व्यवसाय करना चाहते हो जिसका उद्देश्य आगे चल के टाइम और मनी फ्रीडम हो, तो आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि रिक्रूटमेंट करेंगे आप, जितना ज्वाइनिंग करेंगे तो उतना आपका टीम बनेगा, और टीम बनेगा तो टीम ही है जो जिसके वजह से आप टाइम और मनी का फ्रीडम आपका आनंद ले सकते हो। क्योंकि आपको पैसे और समय की जो आजादी चाहिए, तो आपको नेटवर्क को तो बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बना लेंगे तो आसमान की सीमा यहाँ पर फिर इनकम का सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना इनकम कर सकते हो। कब? जब आपका एक संगठन होगा, टीम होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इंसान को जीने के लिए जैसे ब्लड चाहिए, किसान को खेती करने के लिए पानी चाहिए, उसी तरह आपको आपका ब्लड है, आपका बिजनेस का ब्लड है रिक्रूटमेंट। अगर एक साथ बात खत्म करूं, तो आप अगर व्यवसायी अपने आप को मानते हो, डायरेक्ट लिंक कंपनी में नाम दौलत शोहरत सब कुछ पाना चाहते हो, तो ये ब्लड का काम है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है रिक्रूटमेंट। जी सर, जी मनोरंजन जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि रिक्रूटमेंट हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों महत्वपूर्ण, किसका क्यों उसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसका जान ही है। अगर रिक्रूटमेंट नहीं है तो जान नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल के ओर। अगले सवाल जी सर इनकम के ऊपर है। जहां तक हमारा इनकम की बात आता है, तो उसमें दो तरीके के इनकम हम जनरली हम देखते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम और पासिव इनकम। तो ये एक्टिव इनकम और पासिव इनकम, इसका क्या फर्क है? ये बहुत बड़े सवाल है सर, क्योंकि आज अभी भी मैं बहुत सारे दोस्तों से बात करता हूँ, मेरे खुद के मित्र हैं। मैं बताया जैसे कि 2014 में पेसिव इनकम और एक्टिव इनकम मेरा क्लियर होने की वजह से मैं डीएक्शन पे आया। आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये पेसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या है, तो इनको मैं बोलता हूँ आसान भाषा में, दो चीजें हैं। सबसे पहले समझिए, हर इंसान के पास एक आमदनी का जरिया है। अब उस आमदनी को करने के लिए इंसान कुछ समय घंटे को बेचता है किसी के पास, राइट? जैसे मैं नौकरी कर रहा था, 8 घंटा मैं किसको अमीर बना रहा था, मेरे बॉस को बना रहा था, जो टाटा कंपनी के जिनके पास फ्रेंचाइजी था, मैं उनके लिए 8 घंटा काम कर रहा था। उनको मैं अगर 8,000 कमा के देता, तो 8,000 में से कुछ पैसे मुझे देते थे, बाकी वो अपने पास रख लेते थे, क्योंकि मालिकाना हक उनका था। तो मैं जो भी नौकरी करते हैं हम लोग, तो ये एक्टिव इनकम है। जैसे दुनिया में अगर पैसे की बात करूं, आमदनी की बात करूं, तो दुनिया में लोग 4 तरह से इनकम करते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय, चाहे आप सरकारी नौकरी पे हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी पे हो, आप नौकरी कर रहे हो मतलब दूसरों का अमीर बना रहे हो, है ना? तो नौकरी कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आप 8 घंटा 10 घंटा देते हो, सुबह 10 से शाम के 5, सुबह 10 से शाम के 5 लगातार 30 दिन जाते हो, तब जाके बंदा बुरा पेमेंट आता है। अगर आप 2 दिन 4 दिन या 1 दिन से आप छुट्टी मार दिए, तो क्या होता है, उस दिन की आपकी सैलरी कट जाती है। यानी जब आप उपस्थित हो और आप घंटे कुछ घंटे देते हो, तो उसके बदले में इनकम जनरेट होता है। उसी तरह ये आपका एम्प्लॉय हो गया। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। जब तक शटर खुला है, पैसा बंद, शटर बंद तो पैसा बंद। आपने 5 लाख का 10 लाख का निवेश कर दिए, पगड़ी दिए हो, बहुत सारा और आसपास की दुकान है जहां पर कंपटीशन ज्यादा है, फिर भी आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप शटर खोलेंगे तो ही पैसा आएगा, अगर शटर बंद तो पैसा ही बंद। तो ये सब एक्टिव इनकम है ना? तो दुनिया में 4 तरह के लोग इनकम करते हैं, या तो आप एम्प्लॉय हो, या सेल्फ एम्प्लॉय हो, या बिजनेसमैन हो, या आप इन्वेस्टर हो। तो यहाँ पर दो जो भाग है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको आपको खुद को प्रत्यक्ष रूप से समय देना पड़ता है, तभी जाके इनकम बनती है। अगर आपने समय नहीं दिया, छुट्टी मार दी, तो इनकम नहीं बनेगा। लेकिन एक भाग दूसरा है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम किन को मजा लेता है?
बिजनेस में मजा लेता है, ये एक्चुअल में इन्वेस्टर लोग मजे लेते हैं। जैसे मैं बिलासपुर में हूँ, बहुत सारे बिल्डर्स हैं वो जमीन खरीद लिए थे आज से 5 साल पहले, और जमीन खरीद के वो भूल भी गए हैं, मान लो वो दुनिया घूम रहा है कभी दोबारा जमीन को देखे नहीं है, राइट। और 5 साल बाद आज 3 गुना 4 गुना बेच रहे हैं, क्यों भैया? जमीन का जो खरीदे थे उस टाइम में इन्वेस्ट कर दिए थे, जमीन का भाव दिन ब दिन बढ़ रहा है तो उनको दे के जाएगा 3 गुना 4 गुना दे के जाएगा, बिना ध्यान के बिना ख्याल के। उसी तरह बिजनेसमैन, अगर कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है जिनके पास 1000 नौकर है, 2000 5000 एम्प्लाई है, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ बालकों की, तो बालकों के जो अग्रवाल जी हैं माली, उनके पास आज लाखों एम्प्लाई हैं। मान लीजिए 1 लाख एम्प्लाई हैं और 8 घंटा अपने नौकरी के लिए, अपने पेमेंट के लिए 1 लाख लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो 8 लाख घंटे काम हुए ना, तो 8 लाख घंटे काम होंगे तो 8 लाख घंटे का इनकम किसको मिलेगा? अग्रवाल जी को मिलेगा, राइट। वो कभी बालकों नहीं आए हैं, कभी नहीं आते हैं देखने के लिए, लेकिन स्किल्ड एम्प्लॉयड रखे हैं, सौंप दिए हैं, आप ये इंजीनियर का काम करेगा, इनका काम करेगा, मजदूरी का काम करेगा, पूरा व्यवस्थित है। 1000 एकड़ का, 1000 हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनका, प्लांट को खरीद लिए थे वो, अब खरीदने के बाद लाखों एम्प्लॉय है उनके पास, और हर एम्प्लॉय आज 8 घंटा अपने पेमेंट के लिए काम करते हैं, और उनके लिए वो बैठे बैठे अपने परिवार के साथ खेल रहा है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, दिन भर हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, लेकिन उनको क्या इनकम आ रहा है? एक पैसिव इनकम आ रहा है। तो अगर मैं एक शब्द में बात खत्म करूं तो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में दो ही चीजें हैं, कि पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है जहां पर आपका एफर्ट कुछ भी नहीं लगता है, अगर आपका सिर्फ 3% रोल लगता है, 3% एफर्ट से 100% इनकम का मजा ले लो, यानी आपके दादा पर दादा काम किए हैं उसका इनकम आपको मिल रहा है, ये पैसिव इनकम हो गया। और एक्टिव इनकम रोज कमाओ रोज खाओ वाला कार्यक्रम है, जब जब आप पैसा जाते हो, काम करने जाते हो, तब तब आपको पैसा मिलता है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम यही है जी, और पैसिव इनकम आपको बिजनेस में बनाता है, हाँ, और एक्टिव इनकम आपको नौकर बनाता है। आप आपके पास 1000 करोड़ नहीं है ना, आपको अग्रवाल जी नहीं कोई बालको खरीद लो, लेकिन भयंकर बड़ा अवसर है हमारे लिए, डीएक्सएन कंपनी आज हमको पैसिव इनकम बनाने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर दे रहा है। यहाँ पर बिना इन्वेस्टमेंट के सोचो आप, जो कंपनी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा देशों में काम कर रहा है, जिनके पास वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, और ये समाज का बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रोडक्ट में, और इसका अगर नेटवर्क बना लिए, संगठन बंद बना लिए आप, रिक्रूटमेंट कर लिए आप, तो मजा लोगे आप एक पैसिव इनकम का। जैसे मैं ले रहा हूँ इस लॉकडाउन पे, पूरे लॉकडाउन पे बराबर मैंने नियम का पालन किया है, कभी मैंने घूमने नहीं गया बाहर पे, घर में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, जो सामान्य दिनों की इनकम आ रहा था उससे भी इनकम बढ़ के आ रहा है हर महीना, भले ही कुछ रुपये आ रहे हैं जिससे मेरे रिजर्व तो पूरा हो जा रहा है, लेकिन पूरा पूरा मजा ले रहा हूं मैं पैसिव इनकम। तो ये चीज है दोस्तों, और यहाँ पर आप बहुत बड़ा पैसिव इनकम का आप सोर्स बना सकते हो। जी मनोहन जी, जैसे कि आपने बताया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, जैसे अगर एक्टिव इनकम की हम बात कहें, जितना दिन तक हम काम करेंगे उतना दिन तक पैसे आते रहेगा, उसके बाद काम छोड़ देंगे पैसे आना बंद, वो है हमारा एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? काम छोड़ने के बाद भी हमें पैसे आते। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है इसके वजह से थोड़ा सा बंद हो गया है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा से अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स लोग, होना ये चाहिए था। तो अभी आ जाएंगे, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज ये इस जो कार्यक्रम पे बहुत अच्छे अच्छे सवालों का हमको आज सुनने को मिल रहा है, और निश्चित से जो नए लोग हैं जो डीएक्सएन में काम कर रहे हैं, ये सारे सवाल जिनके अगर आपको आंसर दिल से मिल जाए और जो नैतिकता सही ढंग से मिल जाए सही आंसर, तो 100% आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, देखिए मेरा जो ज्वाइनिंग है 25/11/2011 का ज्वाइनिंग है, और 25/11/2011 का ज्वाइनिंग है, लेकिन मैंने काम कुछ सालों पहले मैंने शुरू किया था, लेकिन इस इतने
टाइम पे मैंने स्टेप बाय स्टेप कंपनी को जाना है, एक एक चीज को जाना है, और वो सारे अनुभव आज हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो मनोरंजन सर आ गए हैं, सर कंटिन्यू करें सर जी लाइव। हाँ, हम बढ़ते हैं। हमारा ड्यू टू कुछ पावर कट के तो दिक्कत हो गया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो हम बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल के ओर। हमारा अगले सवाल हमारा स्क्रीन के सामने है। जैसे कि अगर कोई डीएक्शन बिजनेस में सफल होना चाहता है तो जी उसे कौन कौन से मूल बातों पर ध्यान देना चाहिए? जी जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सर, और राइट सवाल है। मैं तो कहूँगा इनके बारे में, आज के डेट में अगर आप डीएक्शन में सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बार बार बोल रहे हैं, अगर आपने 1 लाख का मोटरसाइकिल खरीद लिए या 50,000 का लैपटॉप खरीद लिए, क्या आप उस मोटरसाइकिल को खाई में फेंकेंगे? क्या क्या उस लैपटॉप में आप पानी डालेंगे? क्या नहीं डालेंगे? निश्चित रूप से नहीं डालेंगे, क्योंकि आपके 50,000 से 1 लाख रुपए पैसे लगेंगे उसको। तो उसी तरह अगर आप कोई भी नौकरी को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का डोनेशन देकर जाते हो, तब आपको नौकरी का वैल्यू पता चलता है, राइट। अगर आप डिजिटल बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले इंसान का दिमाग में घटता है, बाहरी दुनिया में बाद में घटता है। आप जैसा ही आपको जिस दिन एक फोटो आधार कार्ड लेके जो आपका ज्वाइनिंग हो गया है ना, तो आप ये माइंड सेट डेवलप कर लो। अब जब तक ऐसा माइंड सेट नहीं बनता है सामने वालों का, मैं तो बोलता हूँ ज्वाइनिंग मत करवाओ। खाली फोटो आधार कार्ड लेने से वो ऐसा लगे, जब उनसे आप फॉर्म में साइन मांगो ना, तो वो ऐसा साइन करे, वो बोले कि मैं एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस का सीईओ हूँ जिसका मालिक मैं होने वाला हूँ, और एक बिजनेस पार्टनर हूँ जिसका मैं जीएम मैं खुद हूँ, वर्क मैनेजर मैं खुद हूँ, सब कुछ मैं हूँ, राइट। अगर ऐसा आप मालिक एक सीईओ बन के आप साइन करोगे, ऐसा सोच आएगा आपका कि एक मैं कंपनी खोल रहा हूँ जिसका सीईओ मैं खुद हूँ, जीएम खुद हूँ, सब कुछ मैं हूँ, अब इस फैक्ट्री से इस कंपनी का सीईओ हूँ, तो इस कंपनी को मुझे कितना फायदे पे जाना है, कितना रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों की इनकम करना है, ये माइंडसेट आपको होना चाहिए, है ना। तो इस सोच के साथ आप साइन करवाएं, क्योंकि 9 डिजिट का जो आईडी नंबर आपको मिलता है ना, वो 9 डिजिट का आईडी ही है, वो आपके फैक्ट्री का एक अंक है। पूरे वर्ल्ड में आप एक लौता हो, एक अंक है, उसी अंक के नाम से कंपनी आपको जानते हैं। आपका नाम कुछ भी हो, नाम तो ट्रांसफर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, पति के नाम से तो पत्नी के नाम से, पत्नी के नाम से तो पति के नाम से, लेकिन वो जो 9 डिजिट का आईडी कभी चेंज नहीं होता है, ना कभी चेंज होगा, ना कभी घूमेगा, ना कभी चोरी होगा, ना कभी बेचा जा सकता है उसको। वो 9 डिजिट का जो आईडी है दोस्त, एक ऐसा आईडी है, उस 9 डिजिट के आईडी पे उसी पे सारा खेल है। आगे चल के आपके बच्चे, नाती छंती सब इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आप जमीन खरीदोगे तो आपके बेटा कुपुत्र होगा तो बेच सकता है, इस आईडी को सेल नहीं कर सकते, राइट। और इनकम को आने से रोक भी नहीं सकता। कल डेट में आप करोड़ों रुपए आय का एक पैसिव इनकम बना दिए, तो उनको झक मार के करोड़ों रुपए महीने का लेना ही पड़ेगा, राइट, उस आईडी से। तो सबसे पहला इसे बिजनेस शुरू, वास्तव में आप देश में सफल होना चाहते हैं तो मूलभूत बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला, आप कोई भी इंडस्ट्री के हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप प्रोफेसर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप मजदूर हो सकते हो, यहाँ पर सबको एक समान अवसर मिलता है, राइट। और आपके जितने भी मेंबर है ना, आप सबको समान अवसर दे, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, पढ़ने के हिसाब से ना आके दूसरा अनुमान ना लगाए कि ये बंदा काम करेगा और ये बंदा काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अनुमान लगाएंगे तो आप हर बार फेल हो जाएंगे। इसको क्या पता है, जिसके अंदर जितना बड़ा डिजायर है ना, ज्वलनशील इच्छा है, वही व्यक्ति सफल होता है इस डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि यहाँ पर माइंड सेट, बिजनेस वाला माइंड सेट चाहिए, और बिजनेस वाला माइंड सेट बनेंगे तो नौकरी वाला माइंड सेट अभी भी बेच के वो डेली कमाने के बारे में सोचेगा, वो घूम घूम के आएगा, लेकिन आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं तो बोलता हूँ, आपको अगर एक बेहतर अपलाइन मिल गया है तो इसकी मैं जितनी बातें बता रहा हूँ इसका चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। आप जो भी प्रोफेशन से हैं, अपने प्रोफेशन के ज्ञान को अपने पास रखें। आप जहां पर जाते हो नौकरी करने ना, वहां पर उनको अप्लाई करो। डिएक्शन पे आ गए हो ना तो एकदम बच्चे की तरह आओ, आपके यहाँ पर एक नया जन्म हुआ है, आप चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे यहाँ पर, राइट, समझना सीखेंगे, और अपने ऑफलाइन भले ही पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, आप उनको ना जो मान सकते हो मान लो, उनको गार्जियन मान लो, राइट, या फिर आप मान लो उनको पालक मान लो, जो मानना है मान लो, ऑफलाइन मान लो, और आपको सिंपल, अगर आपको रति भर भी ईगो नहीं होगा, आप बोलेंगे मैं, मुझे सब कुछ आता है, तो माय डियर फ्रेंड, हाथ जोड़ के बताना चाहूंगा ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप एकदम फ्रेंड, तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बेवकूफ हूँ, इस इंडस्ट्री के बारे में एकदम अनभिज्ञ हूँ, बच्चा हूँ, तो आप बहुत तेजी से सफल होंगे। और ऐसा अगर आपका माइंडसेट आ जाता है, सोच जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, किसी बात का चिंता नहीं करना पड़ेगा। अपने अपलाइन से पूछो कैसे,
और नीचे को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे, इतना ही तो फार्मूला है। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे, इतना ही काम करना है और ज्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। और अपनी बातों पे आपको सिर्फ हमेशा बहुत ही, जितना ज्यादा इज्जत आप अपने अपलाइन का करेंगे, जितना ज्यादा सम्मान आप अपने अपलाइन का करेंगे और जितना ज्यादा गंभीरता से उनके बातों को लेंगे, यकीन मानिए दोस्त, दुनिया में है ना कोई भी पिता अपने बच्चों को खाई पे नहीं रख सकता, राइट। और एक अपलाइन, अपलाइन का पिता और बेटे से भी बड़ा रिश्ता है, क्योंकि हम तो एक भौतिक माता पिता हो सकते हैं ना, यहाँ पर हमारे जो अपलाइन है ये उससे भी बढ़ के होता है, क्योंकि हर हाल में आपको फैल होने नहीं देता है, हर हाल में आपका विन विन पे, मतलब मैं भी जीतूं और आपका भी जाए, मेरा भी जाए आपका भी जाए, और आपको जिताने के फिराक पे रहता है। तो अगर अपलाइन आपके अनपढ़ है, गंवार है, पढ़े लिखे है, ये मायने नहीं रखता है। आप बिल्कुल अपनी योग्यता के हिसाब से, पढ़े लिखे के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से ना आके जिस बंदे के पास आ गए हैं उनका धन्यवाद करें और हमेशा कृतज्ञ रहे और अपने अपलाइन के बातों से आप माने। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सफल होना है तो सबसे पहले इसके प्रोडक्ट को जितना जल्दी हो सके ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करो, और कंज्यूम करने के बाद जो ईमानदारी से जो अनुभव मिला हो तो शेयर करो, इतना ही काम करना है। प्रोडक्ट को उपयोग करना है, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना है, उपयोग करना है शेयर करना है, उपयोग करना है शेयर करना है और शेयर करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिक में ऐसा सिस्टम बन जाएगा, रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट करना है, और आप देखेंगे दिन ब दिन एक एक कदम आप देखें। गाँव में आज भी बावली होता है, पानी निकालते हैं, आपको एक छोटी छोटी जो आदत है ना, छोटा छोटा जो काम है, एक एक कदम जो कितना बड़ा सफलता दे सकता है इसका अंदाजा नहीं। आप एक बड़े से पत्थर का चकरी को वो पैरा कर जो रस्सी है, रस्सी वो चल चल के काट देता है, राइट, बड़े बड़े पत्थर को फाड़ देता है बूंद बूंद पानी टपक टपक के। तो निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आपके अपलाइन जो बताया उनको करो, और एक बार नहीं करने से नहीं होगा। आप एक साल में 365 दिन एक बार सोच उठे बोले आज चलो आज ऐसा ऐसा करते हैं, नहीं माय डियर फ्रेंड, आप डेली 5 मिनट दो चाहे 1 मिनट दो, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो अगर मैं एक बार एक शब्द में बात को समाप्त करूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको डीएक्सएन में सफल होना है तो दो ही चीजें हैं, आप अपलाइन का कहना माने, क्या माने, अपलाइन का कहना माने, और दूसरा जो भी बोल रहा है उनको निरंतरता सिखाएं, है ना, निरंतरता निरंतरता निरंतरता, लगातार छोटी छोटी चीजें, बड़े बड़े आप गोल देखिए उसके इतना छोटे छोटे भाग में तोड़ दीजिए, है ना, और इतना छोटा छोटा तोड़ दीजिए कि आपको भी आसान लगे, है ना, पता भी ना चले। जैसे कि मुझे बंजारा सर काइजन के नियम के हिसाब से इतना ज्यादा तोड़ दिए थे, मैं देखा 2014 में डीएक्सएन कर रहा हूँ, मेरा इनकम भी आ रहा है, मैं पीछे मुड़ के देखा अरे पता ही नहीं चला। तो ये सारी चीजें दोस्तों जी, मनोहर जी जैसे कि आपने बताया कि दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, कि ऑफलाइन का गाइडलाइंस ले आगे जाने, आगे बढ़ने के लिए, हमें हमारा सफल होने के लिए, दूसरे बात सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करें आगे बढ़ने के लिए, सफल तब हम बन पाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल के ओर। हमारा अगले सवाल है, डीएक्सएन में अभी तक आपका क्या अचीवमेंट रहा है और आने वाले 3 सालों में आपको कहां देखना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल सर, और ये प्रश्न जो है वास्तव में मुझे भी सोचते हुए विवश कर दिया था, क्योंकि जब इंसान अपनी लाइफ को, बीते हुए कल को बारीकी से ऑब्जर्व करता है तो उनको पता चलता है बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमको कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। अभी तक के हम शिकायत करते आए कि मुझे कुछ नहीं मिला, भाई से शिकायत करते हैं, माँ बाप से शिकायत करते हैं मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन इंसान जब शून्यता के साथ जाके मनन करता है तो उनको रियलाइज होता है कि अरे भैया हमको कितने सारे चीजें मिल रही है जिसके लिए हमको कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैंने भी लाइफ में 2014 से अभी तक के अगर डीएक्सएन पे नहीं आया रहता तो मेरा लाइफ का जो है अलग दिशा पे, अलग डायरेक्शन पे होता दोस्तों, क्योंकि मैं अपने आप को भली भांति जानता हूँ। 2014 में, उससे पहले 2013 में मेरा जो माइंड सेट था, जो मेरा मेरा टेरिटरी था, जो एरिया था, मैं ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जहाँ पर आप उनको उनकी जो हैबिट को, आदत को अच्छा नहीं बोल सकते, और निश्चित रूप से संगति बहुत मायने रखता है। अगर आप जैसा संगति करते हैं ना वैसा आप बन जाते हैं। तो अगर डीएक्सएन मेरे लाइफ में नहीं आता तो 100% मैं उस संगति से बाहर नहीं आता, बल्कि उस संगति में और वो हो जाता, पारंगत हो जाता, और आज मैं जो नाम कमा रहा हूँ हो सकता है उससे बदनाम कमा रहा होता। तो अगर मेरा व्यक्तिगत की बात करूँ, नाम शोहरत की बात करूँ, तो मैं बहुत गर्व करता हूँ 2014 से लेकर के अभी तक मेरे लाइफ के 365 डिग्री में पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है, अगर मैं आचरण के, व्यवहार के और हैबिट की बात करूँ तो। दूसरी बात, अगर इनकम की बात करूँ
तो आज 2020 चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान में मेरे बहुत सारे मित्र जो ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं उनसे मेरा बातचीत हुआ है, कई लोग तो नौकरी जा चुका है और आज घर पे है, अपने माँ बाप की कुछ पेंशन का पैसा आ रहा है उसी से घर चला रहे हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल में चक्की हुआ है। ये स्थिति मेरा भी हो सकता था क्योंकि मेरा भी हेल्थ अच्छा नहीं था जब ऑटोमोबाइल में था, मेरा बेड हैबिट की वजह से मेरा हेल्थ दिन ब दिन बदतर हो रहा था, राइट। तो धन्यवाद दूंगा मैं विजय जी का जो मुझे देखने के लाए और आज पूरा खाने के बाद मैं दिन ब दिन थोड़ा ही सही काइजोन के हिसाब से, लेकिन स्टेप बाई स्टेप एक एक कदम अपना दिन ब दिन आप तरोताजगी और बेहतरीन महसूस करते जा रहा हूँ, हेल्थ पाते जा रहा हूँ, राइट। तो 365 डिग्री में मैं विकास की आ गया और वही 365 डिग्री अगर विनाश को जाता तो हो सकता आज मैं ना रहता दुनिया पे। तो मैं कृतज्ञ हूँ अपने अपलाइन का, मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ डेक्सन का। और सबसे बड़ी जो बड़ी बात है अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरे जो सर्कल में जो लोग आए हैं एकदम चुनिंदा चुनिंदा लोग आए हैं, रॉयल लायल और कल्चर्ड लोगों से जुड़ गया हूँ। मेरे जो आस पास जिनके बीच में घिरा हुआ हूँ, मेरे कंज्यूमर हो चाहे मेंबर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, एकदम बेहतरीन इंसान है जो मुझे हमेशा मेरे मेरे चेतना को मेरे सपने को पाने के लिए मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए ही बातें करते हैं और लगातार ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ, उनके विचार से उनके हरकत से मेरे चेतना बढ़ता है, मेरा विश्वास बढ़ता है, मेरा भक्ति बढ़ता है, मेरे व्यवसाय बढ़ता है। तो ये बहुत कुछ है पाने के लिए। दूसरा मैं आर्थिक से बताना चाहूंगा, मैं आर्थिक से क्या पाया। एक मेरे ऑटोमोबाइल में जब मैं 2014 में काम कर रहा था, 2020 में नौकरी गंवा दिया, राइट। वो बंदा नौकरी गंवा दिया क्योंकि बेस्ट स्किल्ड वाला कोई बंदा लेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा कोई प्राइवेट नौकरी पे तो आप निकाले जाओगे, छट्टी होता ही है, राइट। अब वो बढ़िया परफॉर्म नहीं करने का दो कारण हो सकता है, एक तो स्किल नहीं होना, दूसरा आपके हेल्थ साथ नहीं देना, राइट। तो मैं देखता हूँ अगर मैं आज भी ऑटोमोबाइल में रहता तो मैं भी घर में बैठा रहता, हो सकता है मेरा जॉब चला गया। लेकिन धन्यवाद देता हूँ आज डीएक्शन की वजह से लॉकडाउन पे सब आदमी बेरोजगार हो रहे हैं, आज मैं घर में बैठ के ध्यान से कर रहा हूँ, मेरा एक एकदम बेहतरीन पैसिव इनकम आ रहा है जिसके लिए सारे जरूरत का सामान मुझे पूरा हो जा रहा है, मुझे किसी के पास भी एक रुपया भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, राइट। ये मेरा अचीवमेंट है और मैं बोलता हूँ, बंजारा सर बोलते थे मनहरण देख मैं 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ तो मेरा एक्टिव इनकम है, लेकिन मैं 15,000 कमा रहा हूँ डीएक्शन से, ये मेरा पैसिव इनकम है। लेकिन 15,000 और 1.5 लाख से ज्यादा है भाई, बोले कैसे, वहां पर मुझे जाना पड़ता है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, राइट। तो ये मेरे अपने आप में बहुत बड़ा जीत है, आज मैं जितना भी इनकम कर रहा हूँ मैं अपने घर के रोटी कपड़ा मकान छोटी में जरूरत है सारा चीज मैं पूरा कर दे रहा हूँ और ये पैसिव इनकम बनाया, इसलिए आज गर्व है कि आज मैं अभी ना रहूँगा दुनिया से तो ये मेरे परिवार के बच्चे लोग रोड गुजरे जाएंगे, ये मेरा अचीवमेंट है। दूसरा मुझे कार का सपना था तो 1 साल पहले कार भी आ गया, हम कार आज ले रहे हैं, सिर्फ कार है हमारे पास। और मुझे जमीन लेना था तो मैं बता दूं 1 अक्टूबर मेरे लिए बहुत बेहतरीन टाइम, बहुत बेहतरीन दिन है, पिछले साल कार आया और इस साल 1 अक्टूबर को 5,000 स्क्वायर फीट का हमने बिलासपुर में एक जमीन ली अभी, है ना। तो इसी इनकम से तो ये मेरा अचीवमेंट रहा है। अगर आर्थिक रूप से अचीवमेंट की बात करूं व्यक्तिगत तो जमीन ले लिए, कार ले लिए, अगर आर्थिक रूप से पैसिव इनकम की बात करूं तो एक ऐसा इनकम बना लिया, अगर मैं सम्मान की बात करूं शारीरिक रूप से तो शारीरिक रूप से 2014 से अभी तक के मैं 10 गुना अपने आप को बेहतर कर पाया अगर मैं तोलूंगा तो। मानसिक रूप से मेरे उस टाइम में विचार बहुत ज्यादा वो था और आज मैं ज्यादा शांत होते जा रहा हूँ और मेरे माइंड और बॉडी ज्यादा कॉन्ट्रेट हो रहा है 2014 से अगर कंपेयर में बात करेंगे तो, मैं कम से कम 5 से 10 गुना मानसिक रूप से पीसफुल हो गया हूँ। अगर आध्यात्मिक रूप से बात करूं तो मेरी जो चेतना है 2014 से अभी ज्यादा बढ़ा है ना। अगर मैं सामाजिक की बात करूं तो सामाजिक रूप से मेरे रिश्तेदार से मेरे मित्र से उस टाइम के लोग मुझे देखते थे तो भागते थे और मैं भी भागता था क्योंकि फेस वैल्यू खराब कर चुका था चिटफंड कंपनी में, आज लोग जुड़ते हैं तो बराबर खुशी देते हैं, चाय देते हैं, पानी देते हैं और बढ़िया बात करते हैं, तो आज समाज से बहुत ज्यादा प्रेम मिल रहा है सामाजिक रूप से अगर बात करूँ तो। ये मेरा अचीवमेंट रहा है सर, आर्थिक रूप से पैसिव इनकम है, सामाजिक रूप से लोगों से प्रेम है, मानसिक से पीसफुल हो रहा हूँ और आध्यात्मिक से मेरा चेतना बढ़ रहा है और शारीरिक से दिन ब दिन ऊर्जावान और बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मेरा गोल है 100 साल जीने का, तो 100 साल जीने के लिए उसी कड़ी में डे बाय डे मैं लगातार चल रहा हूँ। तो ये मेरा अचीवमेंट है सर। और रही बात आने वाला 3 साल में मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये 3 साल में मैं कुछ करने वाला हूँ। 1 अक्टूबर मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, मेरी बेटी का बर्थडे होता है उसे, मैं 1 अक्टूबर 2021 को मैं टाटा कनेक्शन लूंगा जिसकी कीमत है 10 लाख रुपया, है ना। मैं 1 अक्टूबर 2022 को लूंगा मैं इंडिवर फोर्ड लूंगा और 1 अक्टूबर 2023 को मैं लूंगा मर्सिडीज सी क्लास लूंगा। तो सबका समय कम है, मैं एक चीज कलर भी मेरे पता है, कितना अमाउंट है पता है, कौन सा मॉडल लेना है पता है, राइट, और ये सारा चीज पता है, मतलब
जो गोल है ना, दिवा सपना नहीं है, सेक की वाला सपना नहीं है। मैं डेड लाइन डाल दिया हूँ कब तक पाना है, उसके लिए मैं अपने हिसाब से बना लिया। और रही बात व्यवसायिक रूप से, तो मैं 3 सालों में, 3 सालों में मुझे 100 फ्रंट में 100 3500 पी वाला करना, एकदम फ्रंट में, फर्स्ट जनरेशन में। और दूसरे बात, उन 100 के भी 100 100 करवाना है, फिर उन 100 के 100 100 करवाना है, फिर उनके 100 के 100 100 करवाना है। मतलब फर्स्ट जनरेशन मेरे 100 3500 पी 1 तारीख को, सेकंड जनरेशन उनके 100 3500 पी 1 तारीख को, थर्ड जनरेशन उनके 100 3500 पी 1 तारीख को, और फोर्थ जनरेशन उनके भी 100 3500 पी 1 तारीख को। ये मैं 3 साल में करने वाला हूँ, और अपने नीचे में 100 ग्राउंड एमेजर बनाने वाला हूँ। ये मेरा व्यवसायिक सपने है। अब इसके लिए मुझे जो जो मेरा विचार, मुझे स्किल जो डेवलप करना पड़ेगा, मेरा जो गोल है, इस गोल को पाने के लिए मुझे जो जो स्किल चाहिए, मुझे जो बुक पढ़ना है बुक पढ़ूंगा। मैं 2021 में से 20 तक मैं 50 बुक पढ़ने वाला हूँ, है ना, तो उतना बुक पढ़ूंगा मैं वीडियो देखूंगा, मैं जो जो डेवलप चाहिए मुझे उन सारी चीजों को पाने के लिए सब कुछ करने वाला हूँ, है ना। तो ये 3 साल के दौरान में मुझे 100 ग्राउंड एम्बेसडर बनाना है, फोर्थ जनरेशन तक 3500 3500 पीवी, और उसमें लग गया हूँ। और अभी ये माइंड कुछ दिन पहले ही आया है, और मैंने इस ड्रीम को मैं बदल दिया हूँ, और आज के डेट में मेरा फ्रंट में, सामने फ्रंट में 10 अलग अलग लिख पे 3500 एक तारीख को जा रहा है, महीने तक हो रहा है पूरा, 1 तारीख को नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, क्योंकि पहला बटन सही लगाएंगे तो सारा बटन सही लगेगा। तो 1 तारीख को 3500 पीवी करने वाले 100 फ्रंट में ज्वाइन कराने वाला हूँ। तो ये तो मेरा अचीवमेंट है सर। और मैं व्यक्तिगत सपने, सामाजिक सपने, आर्थिक सपने, जो 7 तरह के सपने हैं, सब कुछ बताया हूँ, क्योंकि टाइम कम है, नेक्स्ट कहीं बात करेंगे। तो ये मोटा मोटी में आपको आने वाला 3 साल में बता दिया, कार के बारे में बता दिया और मेरे बिजनेस के बारे में बता दिया। जी मनोरंजन जी, बहुत अच्छे तरीके से अपना गोल जो है वो सारे चीज हमारे सामने रख के बहुत अच्छे तरीके से आपने बताए। तो बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल, लास्ट सवाल के ओर। हमारा लास्ट सवाल है डीएक्शन में खुद के लिए और लोगों के लिए आपको क्या भविष्य नजर आता है? जी, ये है धांसू सवाल है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बेहतरीन सवाल पूछे हैं, और हो सके तो मैं सभी व्यक्ति को बोलना चाहूँगा, हो सके तो ये बात ना दिल तक जाने देना। आप बिना मिथक के, बिना कुछ कंपेयर करें आप सोचे इस बात को, मैं बोलना चाहूँगा जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं और आगे देखेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज डेट में आपको पास सच में आप बेरोजगार हैं, कोई अवसर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ना, तो आ जाओ कमर कस के। ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, इतना बड़ा इंडस्ट्री ना आज तक कभी आया है ना कभी आएगा। और यकीन ना हो तो आप एक एविडेंस नाम एक बुक है, पढ़ लेना, स्वास्थ्य क्रांति है ना, ये आपके अमेरिका के जो अर्थशास्त्री हैं वो लिखे हुए हैं। और उस बुक में बताया गया है कि स्टार्टिंग पे एक टाइम में ऑटोमोबाइल, देखिए हर व्यक्ति का सपना होता है कार खरीदना, और कार का बिक्री किसी भी वस्तु से ज्यादा होता है हर साल। लेकिन IBM का जब कंप्यूटर आया तो 1 साल में कार का बिक्री भी पीछे उड़ गया था, है ना। 1 साल में ऑटोमोबाइल में जितना कार बिकता था उसका भी सेल कम पड़ गया IBM जब कंप्यूटर आया। तो ये जो भी चीजें हो रहा है दुनिया पे, आज तक इतनी बड़ी इंडस्ट्री ना आज तक कभी आई ना कभी आएगी। आप ऑटोमोबाइल को मिला लो, पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री को मिला लो, राइट, सब इंडस्ट्री को मिला लो, सब इसके ऊंट में जीरे के समान होगा ये इंडस्ट्री के समान। क्योंकि हम लोग जो इस इंडस्ट्री में है ये डायरेक्ट लोगों के लिए है। आप क्यों लेना, कार लेना चाहते हो? कार आप इस लेना चाहते हो कार से इंजॉय कर सको अपने आप को, कंफर्ट आराम कर सको। किसको आराम देना चाहते हो? अपनी बॉडी को। अपने बॉडी के उपयोग के लिए आप कार ले रहे हो, राइट। अब आपके बॉडी नहीं रहेगा तो कार का कोई महत्व रहेगा क्या? तो ये सोचने का विषय है। आज वेलनेस इंडस्ट्री में इलनेस और वेलनेस का अंतर समझो। हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, कोई प्रकार की ड्रग्स नहीं देते हैं। वेलनेस मतलब अच्छा महसूस करवाना, आपको हेल्थ प्रदान करना। अगर आप बाल अच्छा चाहते हैं तो 100 साल आपके बाल काला हो, झड़े ना, इसके लिए कलाकारी यहाँ पर। स्किन को आप 100 साल अच्छा ऐसे रखना चाहते हैं, इसका कलाकारी यहाँ पर परमानेंट समाधान है। आप किडनी, हार्ट, लिवर, फेफड़ा, गुर्दा सबको अच्छा रखना चाहते हो, इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, मैं सच में कोई बहुत बड़ा पुण्य धर्म का काम किया रहूंगा जो देखने पे आया हूँ। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति आता है ना, एक पीढ़ी को खपना पड़ता है। वेलनेस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। अभी तो मेरा उम्र 40 साल ही हुआ है, मैं 100 साल जीने वाला हूँ, तो 60 साल में पूरा जम के एंजॉय करने वाला हूँ सब चीज को, पूरे दुनियादारी को, साथ में मेरे बच्चे को, आने वाला समय के लिए जो क्षेत्र में रहेंगे सम्राट की तरह जिंदगी जिएंगे। क्यों? ये जो इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ा अवसर दे रहा है पैसा कमाने का,
है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ संगठन बनाओ, संगठन बनाओ, टीम बनाओ। क्यों, क्या चीज का टीम बनाना है भैया? हम लोग लूट बूट और फूट के धंधे पे नहीं आए, हम लोग एक मिशनरी आदमी है, एक मिशन पे है। ये कमीशन का खेल नहीं है डीएक्सएन, ये मिशन का है। और मिशन में क्या मिशन है, ये संसार के धरती के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य, पैसा और खुशियां सही ढंग से लोगों तक जाना चाहिए। और ये मिशन, ये मिशन की हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर लिम के एक छोटे से सिपाही है और इस मिशन को लेके जाएंगे तो क्या होगा, मेरी जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा, जितने लोग आएंगे ना उनका जिंदगी बदल के रखने का इंडस्ट्री। तो मैं अपने लिए, मैं जानता हूँ आज 100 एकड़ 200 एकड़ का फार्म हाउस के बारे में सोचना मुश्किल है, लेकिन माय डियर फ्रेंड 2025 में, 1 अक्टूबर 2025 में मैं 100 एकड़ का फार्म हाउस लेने वाला हूँ, 100 एकड़ का फार्म हाउस बनाने वाला हूँ, राइट। अब वो कितना करोड़ का होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सारा कुछ मैं हासिल करने वाला हूँ। और अगर मैंने बताया कि 100-100 करके 5 दशक कर लिया तो 62 करोड़ तो सिर्फ स्टार्ट डेवलपमेंट जिलों से आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा प्रियरंजन जी का जो 62 करोड़ का माइंडसेट पूरा कैलकुलेशन के साथ ही बता दिए। जिनके जिनके माइंडसेट होगा फिट हो जाएगा वो आदमी पूरा कर लेगा, राइट। और ये तो सिर्फ एक बोनस है, 62 करोड़ स्टार्ट डेवलपमेंट बोनस है ना, बाकी बोनस तो 5 गुना आते हैं, मतलब 300 करोड़ रुपए महीने का। तो मैं अपने लिए उतना बड़ा 300 करोड़ रुपए महीने का इनकम देख पा रहा हूँ। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ जो व्यक्ति मेरे कहना को मानेंगे और बिजनेस इंडस्ट्री को समझेंगे और इस तरह से मेरे जैसे बहुत सारे जो बिजनेस प्रमोटर काम कर रहे हैं उनका कहना मानेंगे और चलेंगे, तो 100% वो भी 300 करोड़ महीने का इनकम कर सकता है। अब सवाल है यकीन करने का, तो मैं तो बोलूंगा, एक कहानी है, एक चूहा भागता है ना, और चूहा मतलब कुत्ते का शिकार है, तो वो कुत्ता पकड़ने के लिए दौड़ता है, चूहे को भागते भागते बिल में घुस जाता है, और बिल में घुसने के बाद वो बढ़ जाता है, चल कब निकलेगा देखता हूँ, अभी नहीं निकलेगा, 1 घंटा बाद निकलेगा, निकलना तो पड़ेगा। और बहुत सारे कुत्ते लोग आते हैं, राइट, और बोलते हैं क्या हुआ, तो बोलता है यहाँ पर चूहा घुसा है भाई साहब, है ना, शिकार करके खाते हैं, आप लोग मदद करो, आप उसे मार के खाएंगे। तो बोलते ठीक है, 1 घंटा आधा घंटा चर्चा की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और उनके साथी लोग बोले कि ये मजाक कर रहे साला, चूहा हुआ कुछ नहीं घुसा है, भागो यहाँ से, राइट। वो यकीन नहीं करते, भाग जाते हैं, लेकिन एक मित्र साथ में रुकता है और वो भी रुकता है क्योंकि उनका अपने मित्र के प्रति भरोसा होता है। वो रुकता है, देखता है, वो लोग छुपे रहते हैं, 3 घंटा 4 घंटा बीत जाता है, सब लोग भाग जाते हैं, वो रहता है, उनके एक साथी रहता है, राइट। कुत्ता निकलता है, शिकार करता है और अपना भोजन वो लोग खा लेते हैं, हार कर लेते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, बंदा यकीन तभी करेगा जिस बंदा को पता है, राइट। हमने तो देखा है ना अपनी आंखों से कि जिंदगी यहाँ पर बदल रही लोगों का, आप मानो नहीं मानो आपकी मॉटर में कर, लेकिन मैं लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, अगर सच में आप 2021 में जीवित हो और आपके पास मगज है तो भूल जाओ भैया कौन से जाति के हो, कौन से देश के हो, कौन से धर्म के हो, राइट, कितना पढ़े लिखे हो, कितना अनपढ़ हो, काला हो, गोरा हो, भूल जाओ, सबके लिए समान अवसर है। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर चाहत है 365 डिग्री में बदलने के लिए, तो 100% एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है इस इंडस्ट्री में आप अगर 10% भी यकीन कर लिए और 10% मेहनत कर लिए, तो मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर में, आने वाला 3 से 5 साल में उस क्षेत्र के सम्राट की तरह जिंदगी जीने वाले जी सकते हो। आपकी जिंदगी में बाकी कुछ कमी होगा दोस्त, पैसे की कमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आसमान की सीमा, इनकम की सीमा कतई नहीं है। अगर आप सिस्टम से काम कर गए, क्या काम करना है, 5-6 चीजें करना है ना, वो 5-6 चीजें कर लो, 5-6 चीजें कर लो, आप सम्राट की तरह जिंदगी जीओगे। तो इसमें बहुत बड़ा करियर है सर, मैं अपने आप के लिए और लोगों के लिए देखता हूँ, बहुत बड़ा विराट इंडस्ट्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी, हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे सामने रखे। तो मैं जाते जाते आप हमारे गेस्ट को, हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी जी, मैं बस इतना ही मैसेज कर देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको देखिए हर इंसान को, इंसान धरती में पैदा हुआ है, हर इंसान को क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए और खुशी से, तभी जाके इंसान को मुक्ति मिलती है। और तीनों चीजें स्वास्थ्य हम कहीं और तलाशते हैं, पैसा आमदनी के लिए कहीं और रोजगार का तलाश करते हैं, और खुशियाँ के लिए कोई ना कोई बाबा के चक्कर में अलग अलग पकड़ के हम लोग उसे लेते हैं उस चीज़ को आध्यात्मिक लेवल पे। अच्छी बात है, बुराई नहीं हुई, राइट। आप स्वास्थ्य, पैसा और खुशियाँ चाहिए, और तीनों चीज के लिए आपको अलग अलग 3 जगह तलाशना पड़ता है। आज और मेरे भाई डीएक्सएन एक ही छतरी के नीचे में तीनों चीजें हैं, अगर हो सके तो बात को अंदर जाने देना और अपने एक बार दिमाग से सोचना। मैं प्रश्न सोच रहा हूँ, आज से 50 साल पहले जहाँ पर आप रहते हो, जो नजदीक घर है उसके 50 साल पहले जमीन का भाव क्या था बताओ। मैं जहांगीर में रहता हूँ, हालांकि बिलासपुर में रह रहा हूँ, लेकिन जहांगीर मेरा शहर है, मेरे गांव के नजदीक का शहर है,
आज से 50 साल पहले पानी के भाव में था, मेरे नाना जमीन लिए थे पानी के भाव में थे, राइट। आज के डेट पे क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति के पास जहांगीर में अगर 1 एकड़ जमीन है ना 10 करोड़ रुपया बिकता है, वो आज करोड़पति है बंदा, राइट। तो आज से 50 साल पहले जो जमीन लेके छोड़ दिए हैं, आज बंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अरबपति है। आज से 50 साल पहले पेट्रोल पंप फ्री मिल जाता था, आज जिसके पास पेट्रोल पंप है वो लखपति करोड़पति है ना। आज से 40 साल 50 साल पहले ऑटोमोबाइल में डीलरशिप ऐसी फ्री मिलता था, और आज जिसके पास डीलरशिप है वो लखपति करोड़पति है, अरबपति है। तो आज आप वहीं जो वहीं पर खड़े हो, अगर आप चाहते हो लाइफ में कि आने वाला समय में आपके बच्चे आपको गाली ना दे, तो ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। अगर आप देख पा रहे हो उस चीज को, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, रत्ती भर भी क्रिस्टल कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है कि आने वाला अब ये 5 साल 10 साल की बात है, 40 साल 50 साल की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ बदल जाना है। और ये 5 साल 10 साल में अगर सिस्टम से आप काम कर देते हो तो यकीन मानो आपकी लाइफ में पैसे की कमी नहीं होगा, बाकी चीज की कमी हो सकता है ना। आप अरब खरबपति बन सकते हो दोस्त, क्योंकि सवाल यही है, मैं तो बोलता हूँ डीएक्सएन को एक ऐसा सुनहरा अवसर है। अगर आज आपके डीएम आपके क्षेत्र का जो कलेक्टर है ये बोल दे, या मुख्यमंत्री ये बोल दे राज्य का कि भैया सुबह उठो और जहां तक जा सकते हो जमीन ले लो, चल लो, जितना चलो कि जमीन आपका आपका है, तो क्या होगा, जो लंगड़े बिस्तर पे है ना वो लोग भी जीत लेंगे, राइट। सही बात है, जो जो चल पाते हैं वो दौड़ेंगे, तो शाम तक दौड़ेंगे और जहां तक चलते हैं जमीन उनका हो जाएगा। आज वहीं पर हम लोग हैं, डीएक्सएन पे कर लो रे भैया, रिक्रूटमेंट कर लो, संगठन बना लो, एक व्यक्ति को जिसके बार जोड़ लेते हो, एक व्यक्ति एक एक एकड़ खेत के समान है, यकीन मान लो, है ना। एक एक एकड़ खेत में जितना आमदनी देता है उतना आमदनी आपको देने वाला है आगे चल के। तो मैं तो इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री की ताकत और क्षमता को समझिए। जे इंसान परिवर्तनशील नहीं होता है, क्योंकि आज तक आप जो काम कर रहे हो उस काम को करोगे तो आगे भी वही होगा जो आज तक होते आया है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा कुछ पाना है तो एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कुछ में कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, एक अच्छी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग का चयन करो। और मेरी जानकारी में डीएक्सएन कंपनी एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना, क्योंकि पिछले 8-9 सालों में हमने इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में देखा, प्रोडक्ट के बारे में देखा, राइट, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे देखा। जैसे टाइम बीतते जा रहा है कंपनी की दीवानगी बढ़ती जा रही है, भयंकर कमिटमेंट है ना कंपनी, बहुत ईमानदार है, पूरा मैनेजमेंट ईमानदार है, सब कुछ लोग हैं, इतना सपोर्ट मिलता है, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भयंकर भाग्यशाली है। तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, कोई नहीं है टक्कर में, है ना, फालतू पड़े हो चक्कर में, है ना, कर लो भैया। अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में सबसे बड़ा आविष्कार पैसा है, अगर आज आपके पास पैसा है, दुनिया के हर आविष्कार आपके कदमों में है जी, आप बोलो आपको क्या चाहिए, सारी चीज आप परचेज कर सकते हो, लेकिन पैसा कैसा होना चाहिए, नैतिक रूप से कमाया होना चाहिए, और नैतिक रूप से आपको कमाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है डीएक्सएन, जहां पर 2 लाख 4 लाख 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद आज 300 करोड़ रुपये महीने कमाने के प्लान पे काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगर एक शब्द में मैं समाप्त करूँ तो सबको बोलना चाहूंगा माई डियर फ्रेंड, अगर हम देखते आए हैं अभी तक के हमारे जो समाज में जो जो व्यवसाय करते हैं एक सबका दुनिया, आज वो चना बेच के इतना बड़ा बिल्डिंग ठोक देते हैं और अपने पूरे परिवर्तन कर देते हैं अपने परिवार को, है ना, करोड़ों तक संपत्ति छोड़ के जाते हैं, तो हम आज देखते हैं जब भी दुकान में जाते हैं भगवान के बगल में उनका फोटो होता है, पूजा करता है बेटा, क्यों नहीं करेगा। मेरे पिताजी अगर करोड़ों रुपये का संपत्ति छोड़ के जाएगा तो पूजा क्यों नहीं करूंगा, कॉमन सी बातें, राइट। तो अगर आप डीएक्सएन में काम कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, सिर्फ काम करो यार, आपके अपलाइन जो बता रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कर लो, 3 साल 5 साल 7 साल कर लो, आपका बगल में भगवान के बगल में आपका फोटो रहेगा, दुनिया में रहो चाहे ना रहो, और आपके बेटे पूजा करेंगे, क्यों, आपके नाम से पैसा आते रहेगा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म करके छोड़ के जाने वाले हो और बहुत बड़ा विरासत छोड़ के जाने वाले हो, और इसका कोई सीमा नहीं है, राइट। तो ये मैसेज आपको देना था, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, 1 घंटे का था, बातें तो बहुत सारे हैं बातें करने के लिए, तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर, आप लोग मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू मनोरंजन जी, हमारे शो में आए, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपसे समय मिलेगा फिर दोबारा एक मुलाकात के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा, और साथ साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा हमारे YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर
आपका कोई सुझाव है नीचे दे गए ईमेल आईडी और फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। फिर हम मिलेंगे ठीक इसी दिन और इसी समय पर एक न्यू स्टार के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।